Today, we will start linear chapter 4, linear equations. Linear equations. From Salina Kansai's (2025) for board exam for class 10th for ICSE. So first of all, यहाँ पे linear. Yes, Ahil, what do you mean by linear? Aradhya, what is the meaning of linear? Yashika, ये तो चैप्टर का नेम है लीनियर इनिक्वेशन, तो सर वो हमें लाइन लाइन. चलो और यशिका, और इसका मीनिंग सर आई डोंट नो चलो विशेष, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? लाइन इज सर, अ मैं बताऊं? लाइन. तेरे को मैंने पूछा तो था, तू कहाँ था? केक खाने चला गया सर अकेला अकेला? नहीं सर, सिर्फ केक कट करके आ गया सर. सर 3 इडियट्स में लाइन कही थी सर. सर पढ़ाई ठीक नहीं छोड़ना सर. सर है, लीनियर का मीनिंग, चलो स्ट्रेट लाइन सर, इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट पाथ दैट इज करेक्ट बट नॉट हियर फ्रॉम सर, दिस इन अ दिस सिंगल पार्ट ऑफ डायमेंशन सर. सिंगल डायमेंशंस. नो. सर मैं बताऊं? सर हाँ एक मिनट पॉलुस, सर, गूगल कर सर रहे हो. इसकी पावर 1 हो. दैट इज डिग्री 1. यस सर. डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट पावर इज 1. दैट इज कॉल्ड लीनियर. एंड इनक्वेशन, हियर इनक्वेशन मीन्स, देखो इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल, इन इक्वेशन का मतलब होता है नॉट इक्वल, जो इक्वल नहीं होता, दैट इज कॉल्ड इनक्वेशन. समझे? नॉट इक्वल है तो क्या होगा? या तो ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, लेस होगा, या लेस देन और इक्वल टू. ये चार सिंबल्स में से कोई भी एक सिंबल हमारे पास यहाँ पे आएगा. जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. यशिका, 2x+4 = 10. हाउ वी कैन सॉल्व दिस? एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करें यशिका? तो 10 को LHS साइड भेज देंगे तो 10-4 हो जाएगा सर, 2x = 10-4, 4 को उस साइड लेके जाएंगे, RHS साइड. 6, एंड x बिकम 6/2 यस ना, सर. वी गेट 3. तो x = 3 इज द आंसर. यस सर. इसी वे से हमने सॉल्व करना है. करना कैसे है वो देखिए. अगर हमें इक्वल के प्लेस पे ऐसे दे दें, ग्रेटर का सिंबल दे दें, ग्रेटर देन 10, सेम मेथड सेम प्रोसेस, 2x > 10-4, 4 को उस साइड जाके माइनस होगा, x इज ग्रेटर देन 6, 2 नीचे चला जाएगा 3, दैट इज x इज ग्रेटर देन 3. ये हो आंसर. हाँ, दिस इज द आंसर. अगर यहाँ लेस का सिंबल होगा तो उस वे से हो जाएगा, ग्रेटर सिंबल है तो उस वे से हो जाएगा, लेस देन और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल होगा तो उससे हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू साथ में एक डंडी आ जाए तो दैट मीन्स इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू ऐसे बोलते हैं उसको. इस वे से हमने सॉल्व करना है. अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे पास, मैं एक एग्जांपल लेता हूं क्योंकि एग्जांपल से आपको ज्यादा बेटरली पता चलेगा. -x 2x+4 = 10 इज देयर. तो विशेष, -2x सर लेस देन और इक्वल टू 10
माइनस फोर टेन माइनस फोर, माइनस टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू सिक्स एक्स। अब देखो माइनस साइन मल्टीप्लाई में और नीचे जाएगा ना, ऐसे होगा। बट ये सिंबल लेस का सिंबल इंटरचेंज हो जाएगा ग्रेटर देन, साइन चेंज कर देना है। जब भी माइनस वाली टर्म नीचे जाएगी उस साइड प्लस होगी, माइनस टू प्लस एक्स होता तो उस साइड जाके प्लस हो जाती, फिर नहीं साइन चेंज करना था। बट जब भी मल्टीप्लाई वाली चीज उस साइड नीचे जाएगी तो जो लेस सिंबल है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। समझ गए बच्चे? मीन्स यहां से क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थ्री, ये हो जाएगा हमारा। ये चीज का ध्यान रखना है बस, मतलब जब भी माइनस सिंबल को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हमारा सिंबल चेंज, ग्रेटर होगा तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर, चलो बस, अगर आपको यस ये सर, चीज समझ आ गई तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जस्ट वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। आपको ये लगेगा क्योंकि मेरे को ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन, बट होच पोच हो जाएगा। जो मेन टॉपिक था वो मैंने आपको समझा दिया, आपको सारे सम आ जाएंगे प्रॉपरली, आपको मेथड समझ आएगा। क्योंकि इसमें बहुत से वे हैं, वन अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन वन अपॉन वाई, एक्स इज लेस देन वाई हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती कभी। वैसे ठीक है, ये करेक्ट है, बट मतलब रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड्स तो भी सिंबल चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 है ना, हाफ 1/3 से ग्रेटर होता है ना, सर रेसिप्रोकल करेंगे यस 2 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, तो ये चेंज हो गया ना, 3 तो 2 से ग्रेटर होता है, वो तो कॉमन यस सेंस सर, है। फिर हाँ छोटे सर बच्चे से भी पूछेंगे, वो भी क्या बोलेगा, 3 इज ग्रेटर देन 2, ये सर, सुनो। हाँ जी, क्रॉस यस सर, इसका क्रॉस मल्टीपिल नहीं कर सकते? नहीं करना, मतलब कर सकते हैं उसी वे से ही है, बट इस टाइप के सम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम क्रॉस करके करेंगे हम। ठीक है कृष्णा, मैं ओके इतनी सर, ज्यादा एक्सप्लेन, क्योंकि अगर मैं 1/a और सब कुछ मतलब एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, और एक दो एग्जाम्पलों से आपको सारा कुछ समझ आ गया। ये चीज समझ आ गई कि कैसे करना है, जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन सबको सॉल्व करनी आती है, कि अगर मैं किसी को भी बोलूं यहाँ पे कि एक्स की वैल्यू फाइंड करो, तो आप एक्स की वैल्यू 3 सारे के सारे जने फाइंड कर दो। बट अगर मैं इस टाइप के सम को बोलता, ये ना करवाता, ये ना समझाता आपको, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आना था, क्या आ जाता बताइए? अगर मैं ये एक्सप्लेन ना करता, इसको एक्सप्लेन करता, तो आपको कुछ नहीं समझ आना था। हाँ, जो चीज वहां पे मेन है सिर्फ ये वाली है कि जब माइनस वाली चीज मल्टीप्लाई में है उस साइड जाके नीचे जाएगी तो जो यहाँ पे सिंबल होगा वो चेंज हो जाएगा, लेस सिंबल है तो ग्रेटर हो जाएगा, अगर ग्रेटर होता तो लेस हो जाता, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया, बस ये चीज है बच्चे हमारी। हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन नहीं है, सिंपल सॉल्यूशंस निकालने हैं हमें, तो जस्ट वेट। एक्सरसाइज 4A, विशेष विशेष यस सर, हाँ जी, एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट दैट इज ए पार्ट, विशेष क्या दिया है हमें? फॉर द रिप्लेसमेंट सेट दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन सेट? -8 है, -6 है, -5 इसमें है, नहीं सर, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन सेट। -6 है ये रहा, -2 है ये रहा, 0 है ये रहा, 2 है ये रहा, 6 है मतलब दिस सेकंड पार्ट इज आल्सो अ सॉल्यूशन सेट, ऐसे थर्ड वाला भी है, फोर्थ वाला भी है। ओनली फर्स्ट पार्ट इज नॉट अ सॉल्यूशन सेट बिकॉज -5 इज नॉट इन दिस सेट, रिप्लेसमेंट सेट में -5 कहीं पे भी नहीं है।
दैट्स द रीजन सर रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट मतलब जिसमें सेटर्स। से हमने रिप्लेसमेंट सेट मतलब जो आंसर हमने फाइंड करना है वो इसके बीच में से आएगा और सॉल्यूशन सेट एलिमेंट। मतलब, हाँ सॉल्यूशन सेट मतलब वही हुआ कि हाँ ओके सर, आंसर, आंसर का मतलब सॉल्यूशन, जो हाँ सर, हमारा सॉल्यूशन आएगा उसमें जो भी एलिमेंट होंगे जो यहाँ पे हमें दिए हुए हैं उनमें उनके इन बिटवीन में से हो, बाहर से कोई भी नहीं नहीं होगा। होगी। अंडरस्टूड? यस तो सर, हियर फर्स्ट -5 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस रिप्लेसमेंट सेट, देयरफॉर नो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। इसके बाद समृद्धि बी ऑप्शन, यस फाइंड द सर, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर 2x-5 इज लेस देन 2x+28। एक्स बिलोंग टू रियल गिवन है हमें, एक्स क्या गिवन है, रियल को बिलोंग करता है। हाउ वी कैन एक्सप्लेन? सर फोर फर्स्ट और मल्टीप्लाई 8x-20, लेस देन टू एक्स टू प्लस एक्स ट्वेंटी नाउ सेम मेथड, एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे, कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे, 8x-2x यस लेस देन इज इक्वल टू 28+20। इक्वल टू कहाँ है, इक्वल टू मुझे दिख नहीं रहा, यहाँ इक्वल टू दिया है हमें सर आई डोंट हैव बुक। बच्चे, मैंने ये तो लिखा ही है ना, ये क्वेश्चन था ना, तो यहाँ पे क्या यस सिंबल है, लेस ओनली देन लेस, इक्वल टू कहाँ पे यस है, इक्वल टू का सिंबल साथ में नहीं है ना, तो हम नहीं लगाएंगे ओके सर 28। +20 वेरी गुड, व्हाट वी गेट हियर, सिक्स लेस देन, लेस देन 48 एंड एक्स इज लेस देन 8 48 अपॉन 6। प्रॉपरली शॉर्टकट मत मारना, ओके ओके सर एक्स इज लेस देन 8, दिस इज अवर आंसर। ओके सर सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एक्स इज लेस देन 8। नाउ सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मुझे पुनीत, यस सर, सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, सेम मेथड सेम प्रोसेस, -2x+7 लेस देन इक्वल टू 3x बिलोंग टू आर इज, चलो क्वेश्चन इज -2x+7 लेस देन और इक्वल टू, अब इक्वल टू का सिंबल है साथ में, 3 एंड एक्स बिलोंग टू रियल, देन हाउ वी कैन सॉल्व दिस, -2x इज आइदर लेस और इक्वल टू 3-7, यस देन एक्स इज आइदर लेस, -2x को -2x रखो एक बार, इसको को सॉल्व करो, -4 एंड एक्स इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू -4.-2, विच इज, यस सिंपल थिंग, जो -2 यहाँ मल्टीप्लाई है, माइनस को नीचे लेके जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे लेस का सिंबल चेंज हो गया ग्रेटर में, इक्वल टू सिंबल साथ में था तो इक्वल साथ में रहेगा, माइनस से माइनस कट गया 2, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आंसर एक्स सच दैट, देखो एक्स सच दैट, ये जो डॉट्स होते हैं इसका मीनिंग होता है सच दैट। 8th में किया था आपने लीनियर इक्वेशन चैप्टर, याद है सबको 8th क्लास में, यस सर एक्स बिलोंग टू रियल, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दिस इज आवर आंसर, क्योंकि आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें भी ऐसे लिखना पड़ेगा। विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, लास्ट ऑप्शन फोर्थ पार्ट, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, फोर्थ ऑप्शन इज द आवर आंसर। सर, अगर तो यहाँ इक्वल पे टू का सिंबल ना दिया होता तो सर तो भी ऐसे ही सॉल्व करना हाँ देखो यहाँ पे नहीं था इक्वल टू सिंबल, नहीं था ना, था। यस सर, नहीं तो वैसे आता रहा। ओके तो मतलब सर साइन चेंज करना, मतलब लेस देन को ग्रेटर देन बनाना ना, तो सर अगर उसमें लेस देन और इक्वल टू है तो भी, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर अकेला लेस है तो ग्रेटर होगा अकेला, समझे? ओके सर, यस सर, नाउ द डी ऑप्शन नीव, नीव
यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 7 - 3x इज लेस देन एक्स माइनस 7 5। द सॉल्यूशन इज, हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन, 7 - 3x लेस देन एक्स माइनस 5, दिस इज गिवन। हाउ वी कैन सॉल्व? सॉल्विंग सर। यहाँ टू मेथड्स हैं, चाहे एक्स की टर्म्स को उस साइड ले जाओ चाहे इस साइड ले आओ, मैं इस साइड लेके आऊंगा। -3x, x बिकम माइनस ऑन दिस साइड, लेस देन सिंबल, -5, 7 बिकम माइनस ऑन दैट साइड। व्हाट वी सर माय गेट आंसर हियर? इज कमिंग सर -4x लेस देन, -12 हियर x इज माइनस ट्वेल्व सर। बाय एक्स माइनस इज फोर ग्रेटर देन हाँ यस वेरी गुड, क्योंकि -4 नीचे जा रहा है तो लेस सिंबल यस ग्रेटर हो सर, गया, यस सर, थ्री। एक्स बिकम ग्रेटर देन 3। दिस इज अवर आंसर। विच ऑप्शन इज द आंसर? फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर हमारे पास यहाँ ओके पे, सर। फर्स्ट ऑप्शन। नाउ पारुष, ई ऑप्शन, एक्स इंटू 8 - x इज ग्रेटर देन 0, एक्स बिलोंग टू नेचुरल गिफ्ट्स। ऑप्शन, एक्स एक्स बिलोंग्स टू व्हाट सर? जस्ट वेट, नेचुरल पौरुष, यस सर। सॉरी पौरुष तेरे को तो ML अग्रवाल थी है ना, अनिका यस सर, तेरे पास क्रिस्टन पब्लिकेशन पढ़ी है 9th की, कि दे दी किसी को? यस सर, नहीं सर पढ़ी है। पढ़ी है? मैं तेरे को अपना एड्रेस भेजूंगा, मुझे कॉरियर कर देना। ओके सर। ओके, थोड़ा आवाज कम आई है ओके की, कैसे नहीं सर कर दूंगी। की? तो जितना भी पेमेंट चार्जेस होगा मैं वो कर दूंगा आपको गूगल पे, ठीक है? क्योंकि अच्छा ओके सर। ना आप क्रिश्चियन पब्लिकेशन मुझे मिल नहीं रही है और बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ना ऑनलाइन मिलती है ना कहीं किसी को, मतलब जिनको लगी हुई है उन्होंने भी पुराने बच्चों से ली है। यस हियर पौरुष, बट आई कैन राइट डाउन, सर 8x - x² इज ग्रेटर देन 0। 8x - x² इज ग्रेटर देन 0, उसके बाद सर या तो सर x डायरेक्टली 0 के नीचे ले जाके तो सर 0 ही बचेगा सर। 8 - x इज इक्वल्स टू 0। नहीं बच्चे, दिस अ वेरिएबल, एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है ना, 0/0 हो सकता है कभी, पॉसिबिलिटी है रैशनल नंबर में। सर नेचुरल नंबर है ना तो सर 0 होगा ही नहीं। बच्चे एक्स इज बिलोंग टू नेचुरल बोला है, पर हम इसको ऐसे नीचे नहीं लेके जा सकते। अब जो ई पार्ट है बच्चे, ऑल ऑफ यू ध्यान से देखो बच्चे इस सब इस पार्ट को, क्योंकि यहां पे एक चीज समझानी है मैंने आपको। बीच में क्या साइन है पौरुष? सर मल्टीप्लाई दो नंबर हैं, दोनों की मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 कब होती है सर जब वो बताइए? दोनों नंबर 0 ना हो। दो नंबर 0 ना हो, ये क्या मीनिंग हुआ? दो नंबर हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेटर देन 0? मैं इक्वल टू 0 नहीं सर बोला मैंने, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव ना, यस सर। मतलब हमारे पास 3 टाइप के नंबर्स होते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सी होती है? व्हाट इज द फर्स्ट टाइप? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये यस थ्री सर। टाइप के नंबर्स होते हैं। ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या है? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब आता है? जब दोनों के साइन पॉजिटिव प्लस हो या दोनों के साइन, नेगेटिव यही दो पॉसिबिलिटीज है ना? यस सर। यस और नो? यस सर। तो यहां पे हमारे पास 4 कंडीशंस बन गई, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब एक्स ग्रेटर देन 0, 8 - x ग्रेटर देन 0, एक्स इज लेस देन 0, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? लेस देन 0, 8 - x लेस देन 0,
यहां चार कंडीशंस में से दो कंडीशंस करेक्ट हैं, यानी टू कंडीशंस आर करेक्ट एंड रिमेनिंग टू आर रॉन्ग। ये चीज समझ आई कि नहीं आई मुझे, ये बताइए मुझे ऑल ऑफ यू। किसको नो सर, नहीं आई? मुझे सर। हाँ अहिल, दो सर, नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब होती है बेटा? या तो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों। यस सर, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है ना। प्लस। मैं एक्स की वैल्यू सपोज, चलो यहां से देखते हैं, तो मतलब दोनों पॉजिटिव, दोनों की पॉजिटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई ग्रेटर देन जीरो होगी। दोनों अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूं तो भी ग्रेटर देन जीरो होगा ना। यस सर, तो यहां से मेरे पास चार कंडीशन बन गई। पहले मैंने ये दोनों दोनों कंडीशंस लिख दी ऊपर नीचे। फर्स्ट हाँ सर, वाला एक्स, आइदर एक्स ग्रेटर देन जीरो और एट माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो और एट माइनस एक्स इज लेस देन जीरो, तो यस दोनों सर, नेगेटिव भी लेने हैं ना। इन चार हाँ कंडीशंस में सर, से हमारे पास एनी टू कंडीशंस करेक्ट होंगी। सबसे पहली कंडीशन जहां मैंने टिक लगा दिया या बॉक्स में कर दिया, इसको देखते हैं हम। ग्रेटर देन जीरो, पौरुष, जीरो से यस ग्रेटर मैम। कोई भी नेचुरल नंबर बताइए मुझे, सेवन, यहां फिल करके देखो। इस कंडीशन में लेफ्ट साइड में 1 × 7 हो जाएगा ना, यस सर, तो दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। यस सर, यहां से इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -8 एंड एक्स इज लेस देन 8 हो जाएगा ना। माइनस को नीचे लेके जाएंगे तो यस ग्रेटर सर, सिंबल लेस, 8 से लेस कोई वैल्यू बताइए। सर 3, 3 यहां फिल कीजिए। लगता है कि प्रॉपर तो कुछ नया नहीं है। सो 8 15, माइनस एक्स, जस्ट वेट ना, 8 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स इज -8, माइनस को नीचे लेकर गए 8 हो जाएगा, एक्स इज लेस देन 8, 8 से लेस 7, 7 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो नेचुरल नंबर। मतलब मैंने 7 ले लिया, 7 माइनस 1 7 आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो यस ग्रेटर देन 0, दिस कंडीशन इज ऑल्सो करेक्ट। अब यहां पे आ जाओ, एक्स लेस देन 0, 0 से लेस वैल्यू क्या लूं मैं? सर, -5 थोड़ी छोटी ले लिया कर, जीरो सर, -1 से लेस -1, -1 यहां पे इनटू 9, -9 आ जाएगा ना दोनों का यस सर, मल्टीप्लिकेशन, बट वो ग्रेटर देन 0 है, तो नो सर, दिस कंडीशन इज रॉन्ग। अब यहां से आ जाओ, माइनस एक्स लेस देन -8, माइनस को उस साइड लेके जाएंगे तो ग्रेटर सिंबल हो जाएगा ना, -8/-1 8 आ जाएगा, 8 से ग्रेटर वैल्यू, सर 9, 9 फिल करो यहाँ पे, 9 × -1 -9 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 है वो, यस सर, सर -9 ग्रेटर देन 0 है, शाबाश पौरुष। नो सर, देखो सर मतलब सिंपल, ग्रेटर देन 8 कंडीशन टू फॉल्स 9 इज द नहीं है। वैल्यू, 9 × 8 - 9 व्हाट वी गेट? -9 ना, -1 × 9 -9 आ गया, यस सर, -9 क्या है? सर ग्रेटर देन लेस 0 है, देन नो, मतलब दिस कंडीशन इज आल्सो रॉन्ग। तो हमारे पास ये दो कंडीशंस आ गई, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज लेस देन 0 8, ये दोनों के लिए करेक्ट है। तो यहां पे इनको कंबाइन करो, एक्स को बीच में लिख दो, एक्स को क्या लिख दिया हमने? बीच में लिख दिया, तो यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन 0, इस साइड 0 आ जाएगा, लेस देन 8, दिस इज अवर आंसर। कोई ऑप्शन है यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। ये चीज समझ आई बच्चे? यस यस सर, सर। चलो एक दो सब ना ऐसे और आएंगे तब सही समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो चलो अकेला एक्स था, अगर यहाँ पे कुछ और होता, x-8, x-7, x+7 कुछ ऐसा होता तो सही समझ आता। सेकेंड सम, दैट इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। अभी हम कहाँ पे पहुंच गए हैं? क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, दैट इज ट्रू और फॉल्स। पहला पार्ट, यस सर, एक्स इज लेस देन माइनस वाई। दिस इंप्लाइज
माइनस एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्या टेल मी? वन माइनस को इस सच साइड ले आए, माइनस एक्स, ये सिंबल लेस है, माइनस को जब भी ये दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? सिंबल सर चेंज ग्रेटर होगा किससे? वाई से। ये सर ट्रू होगा दिस इज ट्रू। सेकेंड ऑप्शन, जैमी के बाद माशा, सर माइनस फाइव एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। दिस इंप्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3। फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट? एक्स इज लेस देन फिफ्टीन और इक्वल टू अपॉन 15। माइनस फाइव वेरी गुड। सी तो एक्स क्या हो गया? लेस देन और इक्वल टू माइनस 3। बट यहां तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3 बोला है, तो दिस इज फॉल्स फॉल्स। फॉल्स समझ आया ना बच्चे? देखो आपको मैंने इस चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज समझाई है, जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। बस यहां पे अगर माइनस साइन दूसरी तरफ जाता है तो ये साइन चेंज हो जाता है एंड नथिंग एल्स। नाउ द थर्ड वन, 2x इज लेस देन और इक्वल टू -7। अरोश, दिस इंप्लाइज 2x अपॉन -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7 अपॉन -4। दोनों तरफ -4 से डिवाइड कर दिया, 2x को भी -4 से डिवाइड किया, -7 को भी। अब जब माइनस से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा। ये सिंबल क्या होगा? चेंज। चेंज समझे बच्चे? तो ये यही सो दिया हुआ है। यस करेक्ट, दिस इज ट्रू। फोर्थ पार्ट, अनिका। सर हाँ थर्ड वाला फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। कुछ नहीं, एक एग्जांपल लिया करो अपने माइंड में या रफ वर्क में। कोई ऐसा नंबर बताइए बेटा एक तरफ नेगेटिव हो दूसरी तरफ पॉजिटिव हो। 8 इज लेस देन, मैं इक्वल टू सिंबल नहीं लगा रहा, सिर्फ लेस देन ले रहा हूं, लेस देन -7 ना, यस और नो? नो सर तो यहाँ पे कुछ और ले लो, मतलब नेगेटिव नंबर ही लेना पड़ेगा ना। -8 इज लेस देन -7 ना, यस अब तो करेक्ट है। नाउ मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देता, -4 से, या ये कट गया माइनस से माइनस, कितना आएगा आंसर? 2 आएगा ना। सर मैं सिंबल चेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 7/4 कितना आएगा? डेसिमल में करेंगे तो 1.375 ये आएगा। अब 2 1.75 से लेस है, नो सर बड़ा है, इसलिए जब भी हम दोनों तरफ नेगेटिव साइन से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सिंबल चेंज हो जाएगा। समझे बच्चे? मतलब यस सर ये अपने माइंड में बिठा लो, नेगेटिव साइन का ये है सर, सिर्फ चक्कर। दोनों तरफ नेगेटिव से किया ना तो भी सिंबल चेंज। फोर्थ, 7 इज ग्रेटर देन 5, दिस इंप्लाइज अनिका 1/7 इज लेस देन 1/5। सर ट्रू मैंने बताया था नंबर्स का रेसिप्रोकल करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? सिंबल चेंज। यस दिस इज ट्रू। द नाउ स्टेट नेक्स्ट सम इज आल्सो ट्रू एंड फॉल्स। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो भी क्या है? ट्रू एंड फॉल्स है दिस वन। चलो लाइन वाइज चलते रहते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इफ जो उन्होंने दिया है पहले मैं वो लिख रहा हूं। इफ ए इज लेस देन बी, देन ए माइनस सी इज लेस देन बी माइनस सी, या अल्फिशा यस सर बताइए, ए बी से लेस है तो क्या ए माइनस सी इज ऑल्सो लेस देन बी माइनस सी? एग्जाम्पल लीजिए।
कोई भी एक नंबर बताइए जो लेस हो दूसरे नंबर से। हाँ सर ए लेट ए बी थ्री एंड बी बी फाइव. तो 3 is less than 5 ना। यस सर. सब्ट्रैक्ट, कोई भी एक नंबर जो इसमें से सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों साइड में यस से। सर. यस सर. 3 minus 2, 5 minus 2। मैं सिंबल बाद में लगाऊंगा। व्हाट इज दिस? 1, दिस इज 3। व्हाट इज आल्सो आल्सो लेस देन 3? यस सर. तो दैट इज 2। मतलब अगर दोनों साइड में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी ऑल्सो गेट द 2 रिजल्ट। ओके सर. दिस द ऑप्शन। ये एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझा दिया। ओके सर. सेकेंड पार्ट, आराध्या यस सर. ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी। जैसे सब्ट्रैक्ट किया था वैसे ही अगर ऐड कर दें बेटा तो वी गेट द ट्रू रिजल्ट। एग्जाम्पल लेके करना है ना, कर लेते। 5 is greater than 3, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड 7 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो भी तो ग्रेटर ही है ना, यस सर. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। आहिल, थर्ड, यस सर. ए इज लेस देन बी देन ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। फॉल्स सर. ए इज लेस देन बी, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। हाँ सर. -5 2 से लेस है ना। हाँ सर. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद -1, व्हाट वी गेट? सर, माइनस टू 5 minus 2 फॉल्स सर. ये तो ग्रेटर हो गया, हाँ हाँ सर. ये तो ट्रू हो गया बेटा। हाँ सर. बट यहां तो मैंने क्या किया, एक अपना शातिर दिमाग लगाया और आहिल को फंसा लिया। आहिल उसमें फंस गया। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। फाइव इज लेस देन सेवन, हाँ सर. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 2, व्हाट वी गेट? सर 10 and 14. अब लेस हो गया या ग्रेटर हो रहा था। मतलब समटाइम्स दिस इज ट्रू, समटाइम दिस इज फॉल्स। तो ओवरऑल आंसर इज फॉल्स, फॉल्स सर. बट आप फोर्थ ऐसे क्वेश्चन मुझे क्यों पूछते हैं सर? तेरे साथ दुश्मनी है मेरी, तू मेरा हाँ दुश्मन है। ठीक ऐसा पूछता नहीं हूँ, सिर्फ ऐसे. समझाता हाँ हूँ बच्चे ने। ठीक थैंक यू सर. है, सिर्फ ये चीजें देखो, अगर मैं एग्जाम्पल ना दूं ये दोनों तो आपको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, हाँ सिर्फ सर. आपके दिमाग में फॉल्स चलता जाएगा, क्योंकि सिर्फ आप कभी नेगेटिव नंबर को लेके करोगे ही नहीं, आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर को लेके करोगे। अगर मैं एक नंबर को नेगेटिव, यहाँ बोला तो नहीं है ना कि ये पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, ऐसा कुछ हाँ नहीं लिखा सर. ना। इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव ले लिया, एक को पॉजिटिव ले लिया, यहाँ दोनों पॉजिटिव ले लिए। दोनों को नेगेटिव ले लेंगे तो भी ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो हाँ जाएगा। सर. बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लिया उस टाइम ये आंसर करेक्ट आ रहा है, समटाइम रॉन्ग आ रहा है। तो हाँ मतलब हमें सर. ओवरऑल सारे नंबर्स के लिए ट्रू होना चाहिए था। इट मे बी करेक्ट समटाइम एंड समटाइम इट मे बी रॉन्ग, तो ओवरऑल आंसर इज फॉल्स। फॉल्स. इफ दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज, ऑल द रियल वैल्यूज, देन इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज ऑलवेज फॉल्स। फॉल्स. फोर्थ पार्ट, यशिका, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है सर, वो ऑलवेज ट्रू रहेगा रियल नंबर्स के लिए. कौन सा है, थर्ड वाला? फॉल्स यस सर. लिखा है बेटा मैंने, ओके सर. रियल तो ना, -5 भी तो रियल है, 5 भी तो यस रियल सर. है। मतलब इट मे बी करेक्ट सम, इट मे और मे नॉट, दोनों कंडीशंस हैं, पर हम हमें वो रिजल्ट को ट्रू करना होता है जो सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होता है। अब यहाँ पे इस इन इन वैल्यूज के लिए ये ट्रू है ये वाला रिजल्ट, पर इन वैल्यूज के लिए ये फॉल्स है। तो
So that means overall result is, फॉल्स। answer is false. सर हाँ जी बेटा, अगर यहाँ पे एक्स सी एस और बी सच दैट वो दे देता नेचुरल नंबर तो फिर ये टू हो जाता ना। हाँ सब ट्रू हो जाता। ओके सर। अब ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे भी ए और बी कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, तो यशिका सिंह यस सर। पौरुष, तेरे को आर्केस्ट्रा में भर्ती करवा दूं मैं, बोल दूं घर वालों को ढोलक वो बजा रहा है तबला। हाँ जी हाँ सर। यशिका यस सर। बताइए ये रिजल्ट, दिस इज ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू। फॉल्स, समटाइम ट्रू समटाइम फॉल्स, ओवरऑल रिजल्ट इज फॉल्स। अगर सी फॉल्स। की वैल्यू पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो ये रिजल्ट ट्रू है, अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो ये आंसर रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल 5 is greater than 4, डिवाइड कर दो दोनों साइड्स को 2 से, तो वी गेट 2.5 is greater than 2, दैट इज करेक्ट। अगर मैं ले लूं 5 greater than 4 -2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या आ रहा है, -2.5 greater than -2? नहीं, दिस इज रॉन्ग। तो दिस इज रिजल्ट इज, ओवरऑल रिजल्ट इज फॉल्स। ठीक है यशिका, यस सर। बोलिए सर बेटा। ये हम हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए कंसिडर करते हैं। नहीं बेटा, किसने बोला है, रियल नंबर के लिए करती हूँ। जब उन्होंने कुछ मेंशन ही नहीं किया तो दैट मींस फॉर रियल वैल्यूज। ठीक है निका, ओके सर। यहाँ लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में क्या लिखा है, ए बी सी डी आर रियल नंबर एंड सी इज नॉट इक्वल टू 0। ये सारे पार्ट के लिए है ये जो रिजल्ट बोला है उन्होंने। सर फिर तो फर्स्ट भी जैसे फॉल्स हो सकता था कैसे, चलो अगर सी ग्रेटर देन ए और बी है। ए लेस देन बी बोला है, फर्स्ट पार्टी तरीके से डिस्कस करता हूँ। कोई एक आंसर बता मुझे, मतलब एक वैल्यू बता कि जहां ए बी से लेस है। 5 less than 7। माइनस सी, कोई एक रियल नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, कौन सा करूं? अगर -8 करें हम 5 -8। व्हाट वी नहीं गेट सर हियर, 5 -8 मतलब 8 पॉजिटिव है। व्हाट वी गेट, करेक्ट -3। है? -3 तो लेस ही है ना -1 से। अनिका फंस गई जाल में। गलत आ रहा था मेरा। तूने ना बच्चे पता क्या था, -8 ही लिया था बट सिंगल टाइम लगाया आपने, अंडरस्टूड? यस ओहो चलो आज के लिए इतने ही अनफ है, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, टाइम का पता ही नहीं चला आज तो। हाँ ठीक है, सर। थर्ड सम तक करना बेटा इसके। हाँ हाँ सर। सर मैं सारे सम्स के लिए एक वेबसाइट रेफर करता हूँ सर, आईसीएसई हेल्प बोल के ओके सर। उसमें सारे प्रॉब्लम्स का सर, ML अग्रवाल SGN सबका सोल्यूशन है सर, एक बार बताता हूँ सर आपको मेरे को क्या जरूरत है सर। दूसरों के लिए बच्चे, सर मैं ऐसा। बाद में क्यों क्यों दूसरों के लिए, तू मेरी रोजी रोटी पे क्यों लात मार रहा है, तेरे को मैं अच्छा नहीं लगता खाना खाते हुए। नहीं सर चलो ठीक है, ओके बाय, फिर बाय मिलते कल। सर बाय। बाय।